क्या नाम है सर आपका? कृष्ण अलावत, बल्लभगढ़ रहता हूँ। अलावत साहब, सेक्टर 62-64 के मुख्य रोड हैं ये। हाँ जी। और इन रोडों के हालात इन दिनों इतने ख़राब हैं कि लोग यहाँ से पैदल नहीं निकल सकते, रॉन्ग साइड का सहारा ले रहे हैं। रोड कहाँ हैं जी, गड्ढे हैं। रोड तो ख़त्म है और काफ़ी दिनों में बहुत ज़्यादा है, पानी भरा रहता है और बच्चे लेडीज़ बहुत परेशान होते हैं। अगर ये सरकार को थोड़ी सी भी शर्म है तो ये रोड बना दी जाए। बहुत दिनों से ये दिक्कत है। बहुत बार बेचारे न्यूज़ चैनल वालों ने कोशिश करी लेकिन कोशिश असफल रही। शायद आपकी कोशिश कुछ काम करे। सरकार की जो सोई हुई है वो थोड़ी जगह। लोग परेशान हैं, बहुत परेशान लेकर के, लेकिन रोड नहीं बन पा रही। नहीं बन पा रही। क्या नाम आपका? नाम जी रामाशीष। सेक्टर 62-64 के मुख्य रोड हैं ये, टूटे हुए हैं। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। धूल टूटती है, गड्ढे टूटे, रोड टूटे पड़े हैं। पानी कब से टूटा हुआ है रोड अगर बात की जाए तो? बात तो काफ़ी दिनों हो गया जी, टूटे हुए तो करीब साल वर्षों पर हो गया। लोग रॉन्ग साइड चलते हैं क्या? कोई एजेंट वगैरह भी होते हैं यहाँ? हाँ, एजेंट होते हैं जी। सौ गड्ढा अपने बचाव के लिए रोड साइड चलते हैं वो, ताकि हम अपने गड्ढा और पानी से बचें। लेकिन रोड नहीं बन पा रही। रोड नहीं बन पा रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है जी। विक्रम सिंह, सेक्टर 62-64 के मुख्य रोड हैं और इन रोडों के हालात इन दिनों इतने ख़राब हैं कि लोग पैदल नहीं निकल सकते। अब एक व्यापारी हो, किस तरीके की परेशानी आप लोगों के सामने आती है? परेशानी ये धूल मिट्टी, एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। रोड पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक चौक पर टूटी हुई है। रोज़ का एक ना एक हादसा हो जाता है, बाइक वाले गिर जाते हैं और धूल मिट्टी की दिक्कत आती है। रोड साफ होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। रोड टूटे हुए हैं तो इससे आपके व्यापार पर कितना फ़र्क पड़ता है? व्यापार पर पड़ता है। हम बाहर हमारी स्पेशल प्याज की कचौरी बनती है तो उसमें भी आते हैं तो कस्टमर कंप्लेन करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ धूल मिट्टी उठती रहती है उसकी वजह से। कितने साल से टूटे हुए हैं आप? मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गए, 1.5 से 2 साल हो गए रहते हुए, तब से नहीं ले रही। लेकिन बनाने कोई भी अधिकारी अब तक रोड को नहीं आया ना? वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर टूटी हुई रोड है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। अनमोल स्टेशनरी से कॉर्नर मेरी शॉप की दुकान है। यहाँ पे कौन सी जगह रहते हो आप? हाँ, कौन सी जगह है ये सेक्टर पे? वो सेक्टर 62-65 का चौराहा है। अच्छा, अगर इस पे रोड की अगर बात की जाए तो कितने साल से इस रोड के हालात जो है वो ख़राब हैं, लोग रॉन्ग साइड चलने के लिए मजबूर है, क्या परेशानी होती है? रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है और जैसे ही बरसात होती है तो बाइक का तो गिरना 100% तय है, क्योंकि आप अगर उधर देखेंगे तो इतना ज़्यादा है कि लोगों को आइडिया नहीं लगता। लोग सोचते सलमान है जब निकालते, मैं खुद 4-5 बार गिर चुका हूँ। और हम लोग को यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे आने जाने वाले कस्टमर को इतनी दिक्कतें होती हैं और ये रोड को बोला भी गया है बनवाएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के माध्यम से जितनी जल्दी बन जाए उतना ही हमारे लिए अच्छी बात है। तो रोड जो है वो टूटा हुआ है, क्या कोई अधिकारी, कोई नेता कभी कोई आता है कभी यहाँ कोई? सर इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि बनेगा, जल्दी बनेगा। अब अगर डबल इंजन हो चुके, देखिए डबल इंजन की सरकार है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बनवा दीजिए और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ रोज आए दिन एक्सीडेंट तो होता ही रहता है रॉन्ग साइड चलने के। बिल्कुल बिल्कुल, शाहपुरा गाँव वालों के लोगों के लिए और व्यापारी भाइयों को भी नुकसान है, क्योंकि जब पानी भरा रहता है तो कस्टमर आएगा नहीं तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा। VIP इलाका है, सेक्टर 2 इलाका है, उसके बावजूद रोडों के हालात खराब हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, बाकी मैं आपके माध्यम से बोलूँगा जितनी जल्दी बन जाए हम नगर वासियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है।